नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश पालयान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं सहारनपुर के ननौता में आज यहाँ राजपूत समाज की बड़ी महापंचायत हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ है ठाकुर पूरण सिंह जी। तो ठाकुर साहब, क्या बड़े फैसले आज लिए गए इस पंचायत? फैसला देखो, कुछ नहीं लिया गया फैसला। इस स्वाभिमान के लिए ये देश है और ये देश का हर व्यक्ति हर जाति स्वाभिमान के लिए जीवे। यहाँ रहने वाली छत्तीस बिरादरी अभी कोई भी जाति अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देती, चाहे वो मुगलों के साथ लड़ना हो, अंग्रेजों के साथ, हुनों के साथ, यहूदियों के साथ। ये देश हमेशा इस देश की छत्तीस बिरादरी लड़ती रही और हमेशा ये प्रयास करती रही कि हम लोग इस भारत के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर। आज जो राजनीतिक पार्टियों ने इस देश को भारत न रह के, राष्ट्रवादी न रह के, ये भाजपावादी, समाजवादी, कांग्रेसवादी, लोकदलवादी, जब से ये पार्टीवादी लोग हुए, जब तक हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं जातिवाद पैदा हुआ। हमारा देश राष्ट्रवाद का देश है, लोकतंत्र का देश है और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतिम प्रयास तक लड़ेंगे। फैसला क्या हुआ वो बताओ ठाकुर। फैसला हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी को हराओगा उसे वोट देंगे। योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, राजपूत समाज की शान माने जाते हैं। अब आपने तो फैसला ले लिया, लेकिन योगी जी आप लोगों के बीच में आओगे, मनाओगे आप लोगों को? देखो योगी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, राजपूत समाज के मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन वो हमारे बीच में हमारे भाई बहन का आओगे उनकी सारी बात मान लेंगे। जब तक वो भाजपा के मुख्यमंत्री रहेंगे उनकी कोई बात हम नहीं मान सकते। भाई बहन का ही आवाओगे वो मुख्यमंत्री भले ही हो? अरे जब भाई मुख्यमंत्री भाई, तो भाई बहन का कैसे आ जाएंगे? इस्तीफा दुआ मंगवाओ, इस्तीफा दे दो, आ जाओ बीच में समाज, फिर मुख्यमंत्री बना देगा। ऐसे पहले नहीं बनाए हमने, हमने तो प्रधानमंत्री बनाए भाई। देखो जो देश में जातिवाद की बात करेगा वो देश को नुकसान देगा और इस देश को नुकसान हम कभी नहीं देख सकते, सीधी सी बात ही। क्यों इतना दर्द आप लोगों के बीच में है, क्यों इतना बड़ा फैसला, जबकि भाजपा का कोर वोटर राजपूत समान माना जाता है, इस बार आपको लेना पड़ रहा है? देखो आप समझो, जब इस देश में हमने रियासतें दी ना तो हम एक दिन नहीं बोल रहे। जब हमने इस देश में आरक्षण दिया हम एक दिन नहीं बोल रहे। जब इस देश को हमने जमीन नहीं दी हम एक दिन नहीं बोल रहे। जब इस देश में SC ST जैसा कानून बना हम एक दिन नहीं बोल रहे। जब गंदी गंदी फिल्में हमारे नाम पर बनाई गई हम तब भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? हो सके कुछ लोग हमारे नाम से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिनके वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जिनकी वजह से हमारे अंदर खून दौड़ है, उन महापुरुषों के अपमान को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वही हमारी पूंजी है, वही हमारी विरासत है, वो हमारी रियासत है। वो बाबा मिहिर भोज हो, बाबा धीर सिंह पुनीर हो, पृथ्वीराज चौहान हो, उन्होंने हमारे लिए लड़े, उनके लिए तो हम सिर भी कटवा सके, उनके लिए हम किसी का भी विरोध कर सके, लेकिन उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। अच्छा भाजपा तो विरोध होगा, लेकिन विकल्प क्या बनेगा? विकल्प जो भाजपा को हरा है के हिसाब से निर्धारण हो, वो तो अपना आप निर्णय ले लिया। जनता जहाँ जहाँ जैसा माहौल बनाएगा ऐसे तोड़ देगा, तो बदलाव होगा, करेगा इस बार राजपूत समाज। अच्छा मैं ना एक छोटी सी बात कहूँ, अभी पर तो मोदी जी आए थे सहारनपुर, तो उससे दो दिन पहले मैंने कहा कि भाई हमारा निवेदन है जब तक हमारी 7 तारीख ना हो कोई भी राजपूत भाई रैली में न जावे। आप यकीन नहीं करने के, एक राजपूत के गाँव से एक व्यक्ति बस में बैठ के नहीं गया। तो राजपूत तो परिवर्तन चाहता है भाई, तो जब हमारा समाज परिवर्तन चाहता है, लेकिन एक बात है, ये समाज स्वाभिमानी है, इस देश का हर एक व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमान के लिए ये देश का कोई व्यक्ति कभी किसी के साथ समझौता नहीं करता। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आज 7 तारीख में आप लोगों ने महापंचायत की है, 19 तारीख को वोट डलनी है, करीब अभी 10 से 12 दिन का समय शेष है, संभावना है फैसला बदलने की भी, क्योंकि 16 तारीख में शायद आपने फिर पंचायत। एक बात बताऊं, देखो कितनी कड़ी बात कह रहा हूं मैं सारे समाज के सामने, 19 तारीख से पहले पहले सभी महापुरुषों के नाम के जो जाति सूचक शब्द लिखा है उसे हटवा दो, जितने बोर्ड लगाए गए उन्हें हटवा दो, और सार्वजनिक रूप से इस देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे कि जब आप लोग लड़ रहे थे मेरी गलती है कि मैं नहीं आया। इस देश में कानून बनाया जा, इस देश में कानून बनाया जा कि आज से बाद में किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, तो हम समाज से अपील करेंगे, क्या पता हम दोबारा बैठ कर चर्चा कर ले। तो बड़ी बात ठाकुर पूरण सिंह कह रहे हैं कि अगर समाज की मांगों पर विचार हुआ तो शायद फैसला बदले, लेकिन आज इस महापंचायत ने फैसला दे दिया है कि हर लोकसभा सीट पर उन प्रत्याशियों का समर्थन किया जाएगा राजपूत समाज द्वारा जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम
करेंगे।